हेलो गाइस, कैसे हो? मच करने वीडियो लेके गाइस, आज और मैं मिलिट्री बेस में और इस वाले गेम में गाइस तुम्हें मैं एक बहुत तगड़ी ट्रिक बताने वाला हूँ बंदों को ढूंढने के लिए। तो बस देखते जाओ गेम प्ले को। तो यहाँ पे गाइस काफी बंदे आएंगे तो भाई लूट करते हैं सबसे पहले। और ऊपर तो भाई मेरे को कुछ मिलता नहीं है गन के नाम पे, तो भाई नीचे चलते हैं। और यहाँ से मेरे को S12 के मिल जाती है, M16 भी मिल जाएगी। और अब गाइस थोड़ी सी और लूट करते हैं और फिर चलते हैं बंदों की तरफ। अब ये बंदा किसी के ऊपर मिनी 14 चला रहा था, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और फिर एक और बंदा दिखता है मेरे को सामने, लेकिन गाइस थॉमसन की रेंज ना थोड़ी कम है इसकी आयरन साइट की वजह से, लेकिन अगली अपडेट में इसमें रेड डॉट और होलो लगने वाला है। तो गाइस मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई आप खुश होंगे इस चीज से कि भाई रेड डॉट और होलो लग सकते हैं थॉमसन में या फिर नहीं। अब यहाँ पे गाइस सामने वाले बिल्डिंग में सारे फुटस्टेप्स, तो भाई जाते चेक करने। यहाँ पे गाइस इस बंदे को मैं खत्म करता हूँ और भाई शायद जो नोक वाला बंदा था उसे इसने ही नोक करा था, तो ये दोनों अलग अलग स्कोर के बंदे हो सकते हैं। यहाँ पे गाइस सामने की तरफ फायरिंग चलती है, जब मैं देखता हूँ तो भाई एक बंदा नोक दिखता है मेरे को और एक बंदा और दिखता है मेरे को। तो यहाँ पे गाइस मेरा प्लान था कि भाई जाके रश मारता हूँ दूसरी साइड से जल्दी से। लेकिन फिर ये बंदा भी दिख जाता है मेरे को, जो कि पता नहीं कहाँ जा रहा था भाई भाग के। तो इसको खत्म करते हैं पहले और अब चलते हैं ऊपर। तो यार सामने की तरफ बंदे कर चुके थे स्मोक और भाई इनको निपटाने के लिए गाइस ऐसे सामने से जाऊंगा तो भाई स्कैम कर देंगे, क्योंकि एक बंदा तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैं एक नेड फेंकता हूँ, लेकिन ये बंदा आके यहाँ पे नागिन में तब्दील हो चुका था। इसको मैं खत्म करूंगा पहले, लेकिन मेरे को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाई नेड अपना काम कर देता है यहाँ पे। और अब मैं एक और नेड फेंकता हूँ जिससे कि बंदे यहाँ से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर टीपी भी लेगा कोई और भाई स्मोक हटा तो मैं तो गया फिर। अब यहाँ पे गाइस मेरा मन था कि भाई M4 उठा लूं जल्दी से, लेकिन एक नेड की साउंड आती है मेरे को कि भाई नेड फेंक दिया गया है, तो मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ और फिर मैं भी एक नेड फेंकता हूँ जो कि मैं इन पेटियों में से लूटा था। और अब चलते हैं रश मारने। तो गाइस इस वाले क्लच में अगर मजा आया हो तो देखो भाई लाइक मार दो जल्दी से। अब गाइस थोड़ी सी लूट करते हैं और भाई निकलते हैं फिर। लेकिन गाइस उससे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के स्पॉन्सर की। तो गाइस इस ऐप या वेबसाइट का नाम है 1xBet। यहाँ पे आप क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस और ई स्पोर्ट्स में भी बैट करके पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे गाइस आपको 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अपने पहले डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हाँ यार, अगर आपको इन चीजों का शौक है तो 1xBet को ट्राई करना, और अगर पसंद आए तो भाई आगे भी यूज कर लेना। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे गाइस मैं रोजोक मारता हूँ बंदे चेक करने के लिए। गाड़ी दिखते है मेरे को और फिर बंदा भी दिख जाता है और भैया जी फायरिंग भी करने लगे थे। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा पीछे रुकने की सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि चलो जो होगा देखी जाएगी, जाके घुसा देते हैं गाड़ी। और ऊपर यार कम से कम दो बंदों के तो फुटस्टेप्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं एक नेड फेंकता हूँ, क्योंकि भाई दो बंदे टीपीपी ले रहे हैं और भाई तुम्हें पता ही है टीपीपी के अगेंस्ट जाओगे तो भाई क्या होता है। और शायद इन बंदों ने ध्यान नहीं दिया कि मैं नेड फेंक के भागा हूँ। और ये गाइस अपनी पुरानी वाली निंजा टेक्निक जंप एंड शूट, जो कि बंदे के पीछे आ जाए और बंदे का एम वेम बिल्कुल बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे बंदा फिर भी एक गोली चिपका देता है मेरे को, लेकिन अगर मैं जंप एंड शूट नहीं करता ना वहाँ पे ऐसा सीधा घुसता तो भाई कुछ भी हो सकता था फिर। तो यार जल्दी से मैं हीलिंग करता हूँ, थोड़ी सी लूट वूट करेंगे। एक बॉडी, दो हेडशॉट लगे, बंदा मरा क्यों नहीं भाई मेरे को बताओ जरा। मतलब पता नहीं कौन सी कंपनी का चमनप्राश खा रखा था इसने। तो यार थोड़ी सी लूट करके मैं निकलता हूं इधर से। और ये बंदा यार यहां से निकला नहीं था, ये मेरे लिए वेट कर रहा था कि मैं जब आऊंगा ये मारेगा मेरे को बदला लेने के लिए। अरे भैया जी गाड़ी मत फोड़ो यार, मतलब कुछ भी कर लो भाई गाड़ी मत फोड़ो।
यहाँ पे मैं नेड फेंक चुका था तो बंदा थोड़ा सा पीछे भाग जाता डर के मारे, लेकिन वो ये भूल गया था कि अगर वो पीछे जाएगा तो बिल्कुल ओपन है, मैं देख लूंगा उसे। तो थोड़ी सी हिट देता हूँ मैं और बाकी का काम नेड कर देता है। और यहाँ पे गाइस अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ बिल्कुल अनकट कि भाई बंदे कैसे ढूंढे जाते हैं। मतलब मैं तुम्हें फास्ट मोशन में दिखा रहा हूँ, अगर मैं स्लो में दिखाता ना तो कम से कम 5-6 मिनट का पार्ट था या फिर उससे भी ज्यादा। बंदे ढूंढने का बहुत आसान है यार, बस तुम्हें क्या करना है मैप के चक्कर लगाने, हर घर के साइड में से गुजरना है कि भाई फुटस्टेप्स आ जाएं। और कई बार तो भाई कान तरस जाते हैं, फुटस्टेप्स ही नहीं आते। अब यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, मेरी उम्मीद जागती है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं होता। तो फिर मैं जाता हूँ मिल्टा में, पूरा मिल्टा चेक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं मिलता। और भाई ये रोज की कहानी है एक तरह से। लेकिन अब फाइनली जाके मेरे को राइट साइड में एक बंदा स्पॉट हो जाता है पहाड़ी के ऊपर, तो भाई चलते हैं। ये बंदा पूरे 2 साल से लूट का भूखा लग रहा था, मतलब भाई मैं उसके ऊपर चढ़ गया, लेकिन नहीं भैया लूट रहे हैं दबा के। और गाइस अब एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं मेरे को ऊपर से ट्रिपल स्टोरी के। अब यहाँ पे गाइस इसको भी खत्म कर देता हूँ मैं, लेकिन बस अब 4 बंदे रह चुके थे और भाई जोन काफी बड़ी थी 4 बंदों के हिसाब से। तो यहाँ पे गाइस मैं तुम्हें एक इजी ट्रिक बताऊंगा कि भाई लास्ट वाले बंदों को कैसे ढूंढा जाए। तो यहाँ पे गाइस मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था कि भाई मैं गाड़ी घुमाऊं पागलों की तरह इतनी बड़ी जोन में सिर्फ 3 बंदों को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो मैं दबा के लूटता हूँ कि भाई जोन बन जाए एक दो, और मतलब लूटने में टाइम चला जाए, फिर आसानी से मिल जाएंगे बंदे छोटी जोन में। लेकिन यहाँ पे गाइस इतना टाइम नहीं कटता इस चीज को करते हुए। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करूंगा, नागिन में तब्दील हो जाऊंगा और भाई लेटा रहूंगा जब तक कि एक और जोन नहीं बन जाती, क्योंकि गाइस अगर जोन बड़ी है और भाई बंदे काफी कम है तो तुम्हें पता ही यार मतलब हालत खराब हो जाती है भाई गाड़ी घुमाते घुमाते। एक टाइम पे तुम बोर हो जाते हो और सोचते हो कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और हाँ गाइस मैं नोनो लाइफ पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ शाम को 8 बजे से, और वहाँ पे गाइस बहुत सारे रॉयल पास का गिव अवे चल रहा है। तो गाइस जो भी मेरे को लाइव देखना चाहता है या फिर रॉयल पास जीतना चाहता है तो गाइस आ जाना शाम को 8 बजे नोनो लाइफ पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब यार एक और जोन बनने वाली थी, मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ जोन में चलता हूँ। और अब गाइस काफी छोटी जोन बन चुकी थी, बस फार्म का एरिया था मतलब जोन में। अब सामने वाले घर की विंडो में मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है तो मैं जाते रश मारने। और यहां पे सिर्फ बंदा नहीं था, यहां पे बंदे थे, दोनों लास्ट वाले बंदे मतलब यहीं पे हैं। तो यार ये वाला बंदा मेरे ऊपर डायरेक्ट रश मारता है, क्योंकि इसे लगा हो कि भाई अकेला बंदा है, हम दो हैं निपटाते हैं जाके। लेकिन इसका टीममेट इतने नहीं आ पाता, इतने मैं नोक कर देता हूं इसे। तो यहां पे गाइस मैं नेड फेंकता हूं और मोली फेंकना चाह रहा था, लेकिन भाई सामने से नेड आता तो मैं ऐसी मोली फेंक के भाग जाता हूँ, पता नहीं कितना कुक कर रखो भाई बंदे ने, और मोली के चक्कर में मैं ही फट जाता और इस बंदे को मैं खत्म कर देता हूँ, नहीं तो भैया मेरी लोकेशन बता रहा होगा वहां से मार्क लगा लगा के। और यहाँ पे गाइस थोड़ी सी मैं गाड़ी ऐसे चलाता हूँ जिससे कि बंदा मेरी तरफ आए जल्दी से। और अब भैया जी रश करने के मूड में थे तो भाई चलते हैं। और यहाँ पे गाइस खत्म कर देते हैं इसे भी। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मार दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो, और गाइस जो नए बंदे हो भाई सब्सक्राइब कर लो, उससे मेरे को काफी सपोर्ट मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस 1xbet को चेकआउट कर लेना, लिंक इन पिंड कमेंट।